चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीनारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
वत्सल भगवान की। सद्गुरुदेव भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जीवन धन, जीवन सर्वस्व, आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपाद। परमादरणीय पूज्य डॉक्टर स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में बारंबार वंदन। परमादरणीय पूज्य स्वामी श्री महसान जी महाराज, पूज्य श्री सेवानंद जी महाराज, पूज्य संत चरण, पूज्य विद्वत वृंद, भूदेव वृंद, सत्संग से अनुराग रखने वाले भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, हमारे श्री उद्धव जी महाराज ने विचार किया कि श्रीमद् भागवत महापुराण में जो चर्चाएं हैं उसमें कई पारिभाषिक शब्द हैं। मैं कई बार लोगों को निवेदन करता हूं, जैसे व्याकरण दर्शन में भी पारिभाषिक शब्द हैं, वृद्धि है, गुण है। अब जो वृद्धि गुण व्याकरण में है, वो वृद्धि गुण का अर्थ अन्य जगह नहीं लगेगा। जैसे भागवत में अद्वैत बोध का नाम ही तत्व है, ये पारिभाषिक शब्द है। ऐसे भक्ति ज्ञान वैराग्य का यह दिव्य ग्रंथ है तो निश्चित रूप से भक्ति वैराग्य को प्रतिपादित करने वाले, धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन करने वाले कई शब्द हैं। अगर उनको सही ढंग से न समझा जाएगा तो अर्थ का अनर्थ कर लेंगे लोग। इसलिए हमारे श्री उद्धव जी महाराज ने एक ही सांस में कई सारे प्रश्न पूछे, हम लोग उनका उत्तर श्री ठाकुर के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। अब भगवान दान का स्वरूप क्या है, दान किसे कहते हैं, ये बता रहे हैं। दंड न्यासः परम दानम। अधिकतर हम लोग सोचते हैं धन का, सुविधा का, सम्मान का दान करना ही दान है, किंतु भगवान कह रहे हैं कि दंड न्यासः परम दानम। दंडो भूत्र दोहः द्रोहः तस्य त्यागः। सीधा स्वामी पाद कहते हैं कि किसी से भी हमारे जीवन में द्रोह न हो, किसी से भी। केवल धन का दान दान नहीं है, सचमुच में ये जो दान है कि आज के बाद हमसे कोई भयभीत न हो, भय मुक्त कर देना। इस दंड देने के, वो हमारे एक महापुरुष कहते थे, कोई उनके सामने एक शिष्य ने कहा, गुरुजी हमको, हमसे गलती हो गई है, हमको दंड दो। तो बोले, क्या मैं यमराज हूं, ये काम मेरा है, क्या मैं दंड दूं? ऐसे बोले, मैं यमराज हूं कि धर्मराज हूं? बोले, काम मेरा नहीं दंड वंड देने का। मैं समझ रहा था सचमुच में न्यास तो यही है कि किसी को दंड देने का मानस भी ना हो। बाद में भगवान कह रहे हैं तप का स्वरूप क्या है, तप किसे कहते हैं। अधिकतर तो हम लोग सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास के सहन करने का नाम ही तप मानते हैं, किंतु भगवान कह रहे हैं काम त्यागस तपस्मृतम। जो भोग वासना का त्याग है, सच्चा तप तो वही है।
वैसे तो शास्त्रों में हम लोग बचपन में पढ़ते थे ब्रह्मचर्य आश्रम की चिंतन धारा में अष्ट मैथुन का त्याग। कई लोग सोचते हैं स्त्री समागम का नाम ही काम है, उसकी चर्चा करना भी काम है, उसका स्मरण करना भी काम है। हमारे मानस में उसकी सौंदर्य याद की चर्चा तक न हो, भोग वृत्ति का पूर्णतः त्याग ही तप है भगवान कह रहे हैं। तो फिर शौर्य किसका नाम है? बोले स्वभाव विजया। आप लोगों ने भागवत में भी सुना है कालीनाग भगवान से कहता है स्वभाव दुस्तेजो नाथ। ये जो स्वभाव बन जाता है, अभ्यास हो जाता है हमारा। हम तो कई बार चिंतन करते हैं, अब 84 लाख योनियों में गए हैं और कुछ न कुछ संस्कार लेकर के जीव आता ही है। तो जो जन्म जन्म के संस्कार हम सबके पड़ जाते हैं उसी का नाम स्वभाव है। तो स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लेना, अर्थात जैसे लगे कि यह बात दुख देने वाली हमको या दूसरे को है, तुरंत वह घटना हमारे जीवन से समाप्त हो जाए, इसका नाम शौर्य है। तो कहा सत्य किसका नाम है? सत्यम च समदर्शनम। सर्वत्र भगवत दर्शन ही सत्य है। मैं एक शब्द का प्रयोग करता हूं कई बार, तो कई लोग हमसे पूछते हैं, क्योंकि प्रार्थना भागवत के पूर्व में स्तुति करवाते तो हम कहते हैं अपनी मति को सती बनाने के लिए श्री किशोरी जी के चरणों में ले चलो। तो मति का सती होना क्या है? केवल स्त्री पुरुष के नाम पर जल जाना इसका नाम सती नहीं है। लोग समझते हैं कि जल गई तो भावावेश में भी जल सकता है कोई, इसका नाम सती तो नहीं है। उस सत्य का चिंतन करने वाली, सत्य को छोड़कर किसी अन्य का विचार न करने वाली। हमारे श्री तुलसीदास जी महाराज ने अनसुईया मैया के माध्यम से राम सती का धर्म का वर्णन किया है। उत्तम के बस मन असमाही, सपने हूं आन पुरुष जग नाही। वो कहते उत्तम सती कौन है? उत्तम सती वही है कि हमारे पुरुष को छोड़कर दुनिया में कोई पुरुष ही नहीं है। तो सत्य का चिंतन, सत्य का दर्शन क्या है? समदर्शन माने सत्य के अतिरिक्त कोई चीज दूसरी नहीं है। या जो माया छाया दिख रही है, माया छाई है, उसके अतिरिक्त कोई है नहीं, यही सत्य है। इसके अतिरिक्त तो जो व्यवहारिक सत्य की चर्चा की जाती, ठीक है, जो हमारी जानकारी के आधार पर, हमारी समझदारी के आधार पर जिसको हम सत्य माने, ठीक है, व्यवहारिक बात है, किंतु आध्यात्मिक चिंतन तो यही है सत्यम च समदर्शनम। बाद में भगवान कह रहे हैं ऋतम च सुनृता वाणी। वाणी ऋत होनी चाहिए। तो सुनृता वाणी का अर्थ क्या है? तच्च ऋतम सुनृता वाचा प्रिया च वाक। वाणी ऐसी होनी चाहिए सत्य भी हो और प्रिय भी हो। कई बार जो लोग सत्य बोलते हैं तो कहते हैं हम तो सत्य बोलेंगे तो मरो जो तुमको बुरा लगे या भरा लगे, ऐसा सत्य नहीं है। सत्य के साथ साथ प्रिय होना चाहिए, इसलिए सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूया सत्यम प्रियम। श्रुति भगवती कहती सत्य बोलो किंतु सत्य प्रिय हो, इसलिए ऋतम च सुनृता वाणी। हमारे पूज्य श्री सीधा स्वामी पाद इसका अर्थ करते हैं सुनृता सत्या प्रिया च वाक। ये कौन कहता? बोले कवि भी परिकीर्तिता। ये कवि लोग, विद्वान लोग इस बात को कहते हैं कि जो महाराज ऋत है वो सुनृता वाणी है। पर हम देखते हैं महाराज गुरुजनों की वाणी में इतना आकर्षण है, कारण क्या है? कि वह सत्य प्रिय बोलते हैं। तो वाणी ऐसी होनी चाहिए कर्म स्वसंगम शौचम। महर्षि ने इस पर बड़ा सुंदर चिंतन किया है, मैं
आज उसका अध्ययन कर रहा था, सुबह सुबह टीका भी देख रहा था। लोग समझते हैं कि शौच जो बाह्याभ्यंतर पवित्रता है, कई लोग महाराज दिन में कितने बार स्नान करते हैं, और सदाचार में पुराणों में भी वर्णन है कि लघु शंका करने के बाद कितने बार मिट्टी से हाथ धो, शौच करने के बाद कितनी बार हाथ धो, बहुत सारी विधाएं हैं पवित्रता की। किंतु क्या आप जरा विचार करो, जो शरीर में मलमूत्र भरा हुआ है इसको ऊपर से कितना भी धो क्या पवित्र हो जाएगा? हम देखते हैं कि स्नान करके निकलो, कई बार गर्मी होती तो पुनः पसीने से शरीर भर जाता है। अब अंदर तो मलमूत्र का भंडागार ही है, इसको कैसे शौच किया जाए, पवित्र कैसे किया जाए, ये बहुत चिंतन करने लायक बात यह है कि प्रयास पवित्रता का कैसे करना है। कर्मस्व संगो आसक्ति ही, कर्म में अहम भाव न जुड़े। जब तक मैं करता हूँ इस भाव से व्यक्ति भरा रहेगा, तब तक पवित्रता आएगी ही नहीं। महर्षि का एक वाक्य है, ऐसा कौन सा कर्म है जिसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी न हो, कुछ न कुछ अपवित्रता न हो। प्रत्येक कर्म दूषित हैं कहीं न कहीं से। तो यदि हमारे चित्त में यह है कि मैं इस कर्म का करता हूँ, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, यदि अपने को कर्ता भाव से व्यक्ति भरा रहेगा तो उसके जीवन में पवित्रता आ ही नहीं सकती है। सच्चे पवित्र कौन है? परमात्मा ही है। ये महात्मा है, ये जो विलक्षण महात्मा, अवधूत महात्मा, अब स्नान नहीं किए तब भी ये पवित्र हैं, क्योंकि उनके जीवन में ये कर्म का मल लगा ही नहीं है। कर्म जो है, कर्म का मल, कर्म की गंदगी उसमें नहीं लगी हुई है, इसलिए कर्मस्व संगम शौचम। तो संन्यास किसे कहते? बोले त्याग संन्यास उच्यते। संन्यास किसका नाम है? केवल चोटी का त्याग नहीं, कपड़े का त्याग नहीं, घर का त्याग नहीं, ये त्याग दिया या त्याग दिया ये नहीं। भगवान कह रहे हैं त्यागस्तु संन्यास इति ही, मारा त्याग, त्याग का ही नाम संन्यास है। महर्षि ने तो त्याग का इतना बढ़िया अर्थ किया, आत्मा के अतिरिक्त सब अमंगल ही है, उस अमंगल का त्याग कर देना। परमात्मा के अतिरिक्त जो माया है, नाम रूप का त्याग करके केवल परमात्मा चिंतन ही सच्चा संन्यास है, ब्रह्म चिंतन ही संन्यास है। ये राग द्वेष की चिंता चर्चा, इसकी चर्चा, ये संन्यास नहीं है। जब तक ये नाम रूप पर दृष्टि रहेगी तब तक पूर्ण संन्यास होने वाला नहीं है। इसलिए महाराज कह रहे हैं धर्म, अच्छा सच्चा धन कौन है? लोग धन कमाने में लगे, धन कमाने में खट्टा कर लो। महर्षि कहते हैं जो संसार में धन कमाओ, चाहे पैसे का धन, ये भी साथ नहीं जाएगा। और परिवारी जन जो हैं, ये परिवारी जन सबकी एक सीमा है, पत्नी दरवाजे तक जाती है, भाई बंधु मरघट तक जाते हैं। अब कितना मेला इकट्ठा कर लो, धन इकट्ठा कर लो कि हमारे इतने मित्र हैं, हमारे इतने सहयोगी हैं, हमारा सब इतना इतना है, ये सच्चा धन है ही नहीं। सच्चा धन क्या है? भगवान कह रहे हैं धर्म इष्टम धनम, सच्चा धन है हमारा धर्म। जिसने धर्मार्जन किया है उसी ने सच्चा धनार्जन किया है, और जिसने धर्मार्जन नहीं किया उसने धनार्जन नहीं किया। ये धन कोई धन नहीं है, धर्म ही धन है। तो यज्ञ क्या है? बोले यज्ञोहम भगवत तमः। बोले सच्ची बात तो ये है कि यज्ञ स्वरूप मैं ही हूँ, परमेश्वर ही यज्ञ स्वरूप है। तो जो परमेश्वर को अपने हृदय में बैठालता है, जो परमात्मा के चिंतन में अपने को लगाता है, वही सच्चा यज्ञ करता है। तो बोले दक्षिणा क्या है? महाराज इन्होंने कहा दक्षिणा ज्ञान संदेशः। हम तो आज विचार कर रहे थे कि महर्षि का यदि अर्थ न होता, प्रवचन न होता,
तो निश्चित रूप से हमको अर्थ ही नहीं खुलता। यज्ञार्थम दानम दक्षिणा सच ज्ञानोपदेशः, तो आप जरा विचार करिए, ज्ञानोपदेशः दक्षिणः, तो जो ज्ञानोपदेश है वो दक्षिणा है। तो दक्षिणा गुरु देता है कि चेला देता है? अरे भाई, गुरु तो दक्षिणा ही देगा। आजकल कई लोगों को जो बोलना नहीं आता ना, कई लोग हमारे पास आते हैं, महाराज हमको गुरु दीक्षा नहीं बोलते हैं कि हमको गुरु दीक्षा चाहिए, कहते महाराज गुरु दक्षिणा दे दो। अब लोगों को दीक्षा और दक्षिणा का भेद पता नहीं है, तो कई लोग आकर कहते महाराज गुरु दक्षिणा दे दो। तो मैं कहता हूँ, पहले गुरु बन जाओ, बाद में तुमको दक्षिणा दूंगा। पहले गुरु बनो तो सही, क्योंकि शिष्य देता है दक्षिणा और गुरु देता है दीक्षा। तो यहाँ जो संदेश है, मैं सोच रहा था कि महर्षि ने ऐसे खोल दिया कि सच्ची दक्षिणा क्या है। हमको लगता है गुरुजों को दक्षिणा दें, दक्षिणा दें, दक्षिणा दें। महर्षि का ये वाक्य तो आज मैं पढ़ते पढ़ते गदगद हो गया कि गुरुजनों को सच्ची दक्षिणा क्या है, कि हमको हमारे अंतःकरण की ऐसी योग्यता बन जाए कि हमको देखकर गुरु को ब्रह्म विद्या का उपदेश देने का मन हो जाए। गुरु विद्या महाराज ये ब्रह्म विद्या देने का मन हो जाए, हम अपनी योग्यता ऐसी बना लें, जैसे किसी को देखकर लोगों को रूप प्रशंसा करने का मन हो जाता है, ऐसे शिष्य ऐसा हो कि गुरुजी जैसे उसको देखे तो उनका मन मचल पड़े कि इसको हम अब ब्रह्म विद्या का उपदेश देंगे, महावाक्य का उपदेश देंगे। ये योग्य सच्ची दक्षिणा यही है, सच्ची दक्षिणा ये है। इसलिए महर्षि को पूरे जीवन में कोई सच्ची दक्षिणा देने वाला सच्चा कोई जिज्ञासु नहीं दी मिला ना। ये जिज्ञासु अगर मिल जाता तो ज्ञान जो देना चाहते हैं ऐसी योग्यता हो जाए। वो कई बार लोग कहते हैं महाराज आपको तो बहुत हल्की फुल्की बातें पसंद है, तो इसलिए अब हम विनोद की बात सुनाएंगे आपको। तो हम कहते हैं कि विनोद की बात सुनाओगे अच्छी बात है, आपको खुश हमको उसमें हो जाएगा। किंतु कहते हैं आपको सत्संग की बात, अरे योग्यता हो तब पूछो ना, आप केवल पूछने के लिए पूछो। आजकल पूछने के लिए ही पूछते हैं लोग, पूछने के लिए पूछते। अभी एक जगह में गया हुआ था राजस्थान में, बीकानेर के पास में, तो वहाँ एक शास्त्री जी हैं। अब हमको पता है उनकी योग्यता भी पता है, तो हमने कहा प्रश्न पूछो, तो प्रश्न पूछना चालू किया उन्होंने, क्योंकि हमको कुछ प्रवचन देना था। तो हमने कहा कोई प्रश्न हो, तो दो तीन प्रश्न का उत्तर देने के बाद फिर हमने उनसे पूछा, क्यों जी ये तुम्हारी जिज्ञासा है, इतनी छोटी सी बात आपको पता नहीं है? तो बोले नहीं नहीं पता तो है हमको। तो हमने कहा फिर हमारी परीक्षा के लिए पूछ रहे हो, तो विचार चंद्रोदय विचार सागर वो पढ़ते हैं, अब अपने तो गुरुजनों के साथ रहे ना बचपन से, तो संकोच तो होता नहीं है। तो हमने कहा हमारी परीक्षा के लिए पूछ रहे हो? अरे बोले नहीं नहीं महाराज आपकी परीक्षा हम क्या लेंगे। तो किसके लिए पूछ रहे हो? तो बोले ये जितने पीछे बैठे हुए लोग हैं ये तो पूछने से इनका कल्याण हो, इनका कल्याण हो, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। तो हमने कहा इन लोगों ने अपने कल्याण का ठेका तुमको दिया है, ये जितने पीछे बैठे तुम्हारे पीछे हैं इन लोगों ने तुमको कहा है कि ऐसा प्रश्न पूछो कि हमारा कल्याण हो जाए? वो सब लोग हंसने लगे। फिर शास्त्री जी को हमने कहा कि ऐसे प्रश्न पूछना चाहिए जिसमें स्वयं जिज्ञासा हो। महात्माओं से परीक्षा करके तुम पाओगे कुछ नहीं। हमने कहा हमने तो गुरुजनों से विचार चंद्रोदय विचार सागर पढ़ा है और गुरुजनों के साथ बैठे तो हम प्रश्न का उत्तर दे देंगे तुम्हारे, किंतु जो नहीं दे पाएंगे उनको बेइज्जती होगी और वो महापुरुष का अपराध तुमको लगेगा। जरूरी नहीं है कि ब्रह्मनिष्ठ हो तो वो श्रोत्री भी हो, जरूरी नहीं है ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष श्रोत्री हो, ये भी जरूरी नहीं है, और श्रोत्री हो ब्रह्मनिष्ठ हो ये भी जरूरी नहीं है। कितने श्रोत्री हैं किंतु ब्रह्मनिष्ठ नहीं है, और हमको कितने ऐसे महापुरुष मिले कि ब्रह्मनिष्ठ हैं किंतु श्रोत्री नहीं है। उनको उत्तर देना नहीं आता है किंतु उनकी निष्ठा में पूर्णता है। तो हमने कहा किसी का तुम अपराध करोगे तो दुख के भागीदार बन जाओगे, इसलिए आज से ऐसे प्रश्न मत पूछना। तो कहा महाराज गलती हो गई, बाद में एकांत में बोले। तो मैं निवेदन इतने कर रहा था आप सबसे कि योग्यता हमारी बन जाए
कि पूछने की भी जरूरत न पड़े। और हम तो अनुभव करते हैं कि सचमुच में यदि सच्ची जिज्ञासा हो, आप बैठ जाओ गुरुजनों के चरणों में, तो अपने आप उन प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। गुरु हृदय में प्रकट हैं, और हृदय में प्रकट हैं तो समाधान हो जाएगा। इसलिए महाराज कहते दक्षिणा ज्ञान संदेशः, हमारे जीवन में ज्ञान संदेश प्राप्त करने की योग्यता तैयारी करना, यही सच्ची दक्षिणा है। और प्राणायाम परम बलम, सचमुच में जो बल है वो क्या है, बोले प्राणायाम ही बल है। प्राणायाम दुर्दमनम बलम, अच्छा इस मन पर, प्राणायाम से मन पर विजय पर प्राप्त होती है, तो मन पर महाराज विजय प्राप्त करना ही सच्चा बल है। यदि आपका मन पर विजय नहीं है तो आप दुर्बल है, बलशाली हैं ही नहीं। इसलिए महाराज इन्होंने इस प्रकार से वर्णन किया। अब जीवन का लाभ क्या है, सच्चा लाभ क्या है जीवन का, बोले भगो में ऐश्वरो भावो लाभो मद भक्तिरुत्तम। ये जो ईश्वर है ना, ईश्वर, ईश्वर में जो ऐश्वर्य है वो भग है। ये ईश्वर में जो ऐश्वर्य है वो भग है। तो जो सगुण भगवान है, ऐश्वर्यशाली भगवान है, उसलिए मद भक्ति रुत्तम लाभा, भगवान की भक्ति ही उत्तम लाभ है। यदि आपके जीवन में भगवत प्रेम नहीं आया तो समझ जाइएगा कि आपके जीवन में लाभ कुछ नहीं हुआ है। इसलिए परम लाभ जीवन का यह है भगवत भक्ति का। और विद्यात्मनि विदा बाधो, भैया जो भेद बन गया है, इस भेद का बाद ही विद्या है। जब तक भेद दर्शन है तब तक सच्ची विद्या नहीं है। या विद्या सविमुक्तये, विद्या चात्मनि प्रतीतस्य भेदस्य बाधा न ज्ञानमात्रम। केवल गीता याद हो गई, उपनिषद याद हो गए, ब्रह्मसूत्र याद हो गए, ये विद्या सच्ची विद्या नहीं है। विद्या ये है कि जो हमारे जीवन में भेद दृष्टि है वो नष्ट हो जाए। हमको कई लोग आकर पूछते हैं, महाराज सुनते समय तो सब याद रहता, बाद में सब भूल जाता है। तो मैं प्रश्न पूछता हूँ, याद क्यों रखना है, कथा करनी है? अरे भाई, हम लोगों को कथा करनी है इसलिए सब याद रखना पड़ता है। अगर कथा न करनी हो तो याद रखने की क्या जरूरत है, समझना ही तो है। जिस दिन हमारी भेद दृष्टि मिट जाए, विद्या का फल प्राप्त हो गया। और यदि भेद दृष्टि नहीं मिटी है तो कितने भी शास्त्र याद करके रखो, कोई मिलने वाला उससे कुछ है नहीं। लोग पढ़े लिखे समाज में थोड़ा विद्वान भले मान लेंगे, किंतु उससे कुछ मिलने जाने वाला नहीं है। उनके विद्वान मानने से ना अपना पेट भरने वाला है, ना अपने को शांति मिलने वाली है। इसलिए ये सारी जो विद्याएं हैं, सच्ची विद्या यही है, विद्यात्मनि विदा बाधो। आज मैं सोच रहा था कि भगवान ने इतने एक एक वाक्यों में जो प्रश्नों का उत्तर दिया है, ये भगवान की भगवत्ता है। एक वाक्य में उत्तर दे देना, कोई कैसा भी प्रश्न हो एक वाक्य में। और कहा ग्रीक नाम किसका है, लज्जा किसको कहते हैं। वो मैं हरियाणा में कहीं था तो एक सज्जन बैठे हुए, सुबह सुबह घूमने गया था, चारपाई पर बैठे थे। एक माता जी घूंघट काट करके खूब गालियां दे रही थी उसको, ससुर साहब थे उनके, लठिया भी पटक रही थी और काड़े थे घूंघट और दे रही थी गाली। तो मेरे मन में विनोद सूझा तो मैं खड़ा हो गया, खड़ा, तीन चार साथ में थे। तो हमने कहा, मैया अगर गाली ही देना है तो घूंघट काहे को खाड़े खोल, काड़े खोल खोल के दे तो पता तो चले कौन दे रहा है। तो हंस करके भाग गई वो, उसको हमारी बात में हंसी आ गई। तो कई बार महाराज ऊपर से तो लोग घूंघट काढ़ लेते हैं और ऊपर से तो लज्जा का भाव दिखाते हैं, किंतु कर्म करते हैं अशास्त्री।
जुगुप्सित कर्म न हो सच्ची लज्जा यही है, अकर्मस जुगुप्सा हेयत्व दर्शनम ही लज्जा मात्रम न। हमको लज्जा किस में आनी चाहिए? लज्जा हमको वो एक महापुरुष हमसे पूछ बैठे, बोले कि आप सन्यासी होकर के तुलसी की माला पहनते हो, तो हमने कहा कि आपको ये प्रश्न करना चाहिए कि सन्यासी होकर के पैसा क्यों छूते हो। हमने कहा ये तुलसी की माला पहनते कहाँ निषेध है, इसमें क्या लज्जा की बात है? लज्जा की बात तो ये है कि जो हमको नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, अशास्त्री काम कर रहे हैं। हमको तुमने कहा कि तुमको ये पूछना चाहिए कि तुम सन्यासी होकर दीक्षा क्यों देते हो, तुम ये क्यों पूछ रहे हो कि तुलसी क्यों पहनते हो? अरे भाई, जो अशास्त्री हमारे लिए तुलसी पहनना अशास्त्री नहीं है। हम तुलसी पहने या रुद्राक्ष पहने उसमें क्या जाता है, किंतु शास्त्र विरुद्ध जो कर्म हम कर रहे हैं उसमें हमको लज्जा आनी चाहिए, उसमें संकोच होना चाहिए कि जो हमारे लिए निषिद्ध कर्म है वह मेरे द्वारा हो रहा है। तो लज्जा केवल ऊपर की लज्जा नहीं है, शास्त्र सम्मत लज्जा यही है कि वहाँ हमको लज्जाए। तो अभी हम भगवान कह रहे हैं कि देखो उद्धो श्रीर गुणा अनपेक्षाद्या सुखम दुख सुखात्यय। सच्चा सच्ची श्री क्या है ध्यान रखना, सच्चा अलंकार क्या है? महाराज सच्चा अलंकार यही है अनपेक्षा, किसी से किसी प्रकार। गुण एव श्री मंडलम न किरीटादि, सचमुच में अपना आभूषण मुकुट आदि नहीं। सीधे स्वामी पाद कह रहे हैं महाराज क्या है वास्तविक सौंदर्य, तो यही है निरपेक्षता, किसी से किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं। और महाराज सच कहें दुख का कारण यदि कोई है तो अपेक्षा ही है। जो जो जहां जहां से संबंधों में दुख पाते हैं उसका दुख का कारण है कि उनसे किसी न किसी प्रकार की हमारी आकांक्षा है। अगर सुखी बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से किसी हमारे प्रकार सी गुण है आभूषण है, तो वास्तविक सौंदर्य यही है कि निश्चित रूप से किसी प्रकार की अपेक्षा न रखो, चाहत न रखो। और महाराज सुखम दुखम सुखात्यये, सुख सच्चा सुख क्या है? दुख हो चाहे सुख हो उसकी भी कामना किसी से न हो। जैसे जो सहज ढंग से आ जाए दुखम काम सुखोपेक्षा, दुख क्या है, दुख किसे कहते हैं? आप ध्यान दीजिएगा, दुखी तो हम बाद में होते हैं, दुख का निमंत्रण उसी दिन दे देते हैं जिस दिन हम विषयों से सुख चाहते हैं, जिस दिन शब्द से स्पर्श से रूप से रस से गंध से, ये स्पर्श हमको सुख देगा, ये वाणी हमको सुख देगी, ये स्थान हमको सुख देगा, ये व्यक्ति हमको सुख देगा, जिस दिन ये कामना आपके जीवन में आएगी उसी का नाम दुख है। दुखम काम सुखापेक्षा, शब्द से स्पर्श से रूप से गंध आदि से जो सुख की अपेक्षा है, जो हम उससे सुख चाहते हैं सच्चा, निश्चित रूप से दुख वही है। पंडितो बंद मोक्षविद, पंडित कौन है? आजकल ब्राह्मणों को भी पंडित कहने लगे, किंतु पंडित कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण जाति है। सच्चा पंडित वही है जो बंद और मोक्ष का जानकार है। वैसे तो एक बुद्धि कई प्रकार की होती है, एक पंडा बुद्धि होती है। तो पंडा बुद्धि कौन सी बुद्धि? सद असद विवेकनी बुद्धि सा पंडा, जो सत और असद का विवेक करने वाली बुद्धि है उस बुद्धि का नाम क्या है? पंडा बुद्धि। और वह जिसके पास में होती उसका नाम पंडित होता है, जो बंद को जानता है मोक्ष को जानता है। अपने तो महाराज दोनों को न जाने, तो जो दोनों को नहीं जानता वह तो मूर्ख ही है। आज हमको एक संगति लगी, मैं बहुत हंस रहा था इस श्लोक का चिंतन करके। हमारे पूज्य स्वामी हंसानंद जी महाराज
हमको लगभग जब नाराज होते थे तब मूर्खों का सरदार बोलते थे, जब नाराज हों तब कहते थे मूर्खों का सरदार। एक बार तो ऋषिकेश में कथा थी, बहुत बड़ा आयोजन था गीता भवन में, तो चर्चा करते हैं तो कई लोग बोले कि स्वामी जी के पास चलो, स्वामी जी के पास चलो, आप उनकी चर्चा करते हैं, आप चलेंगे तो हमको भी महाराज जी बात कर लेंगे, देख लेंगे। तो मैं गया, 30-40 लोग साथ में होंगे, महर्षि लेटे थे, जैसे मैं गया तो बैठ गए, हमने प्रणाम किया तो मुस्करा कर हमारी ओर देखकर बोले आओ मूर्खों के सरदार, महाराज जी बोले आओ मूर्खों के सरदार, और मुस्करा कर बहुत प्यार से। आज उसकी संगति लगी हमको कि मूर्ख है कौन जी, जैसे पंडित कौन है इसकी व्याख्या ठाकुर कर रहे हैं, ऐसे मूर्ख कौन है। कहते हैं मूर्खो देहाद्य बुद्धि देहाद्यम देह आदि अहम बुद्धि। मूर्ख कौन है जो देह में इंद्री में मन में, मन को ये अहम बुद्धि मानता है, इंद्रियों में ये इंद्रियां मैं हूँ, ये शरीर मैं हूँ। निश्चित रूप से यदि शरीर के प्रति अहंता है तो उससे बड़ा मूर्ख कोई दूसरा हो नहीं सकता है कि मैं शरीर हूँ मैं शरीर हूँ। अपने लोग तो यही कर रखे हैं और कहा कि इसी का नाम महाराज अहम बुद्धि उत्युक्त लक्षणम देह गेहादि देह के प्रति घर आदि के प्रति परिवार आदि के प्रति जो अहम बुद्धि है मम बुद्धि है वही मूर्ख है। और इस मूर्खता में तो सभी बह रहे हैं लगभग गुरुजनों को छोड़ करके, वैसे सभी तो नहीं कहना अपराध है, कभी भी ये वाक्य नहीं बोल चाहिए अपराधी हो जाता है सभी बह रहे हैं। ये महापुरुषों को छोड़ करके महापुरुषों को छोड़कर ब्रह्मज्ञानियों को छोड़ करके संसार के लोग इसी में इसी मूर्खता में बंधे हुए हैं कि तो शरीर में है संसार मेरा है और सारा व्यापार सारा प्रयोग इसी के अंदर उनका हो रहा है। पंथा मन निगम स्मृता रास्ता कौन है, किस रास्ते पर चलना चाहिए, का पंथा रास्ता कौन है। बोले मन निगम वेद ही रास्ता है, ध्यान रखना निवृत्त महाराज सतु पंथा सन्मार्गम न तो कंकाट कंकटाधिक शून्यम। मार ये दिव्य मार्ग कौन है जिसमें कंकड़ और कांटे नहीं है, वो निगम का पथ वेद पथ ही इसमें निश्चित रूप से है। और जो गलत रास्ता है चित्त विक्षेप आदि प्रवृत्ति मार्ग का, वह निश्चित रूप से उत्पत्त चित्त विक्षेप, ये जो चित्त का विक्षेप वाला रास्ता है वह अशास्त्री रास्ता है, कुमार्ग उसको कहते हैं, वह कुमार्ग है। हमारे श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं चित्त विक्षेप प्रवृत्ति मार्ग, जो निगम में निवृत्ति मार्ग है वही सच्चा पंथ है, ये प्रवृत्ति मार्ग जो है वही गलत कुमार्ग है। न तो चौराद्या जो चौरादि जा रास्ते जाते वो नहीं, सच्चा तो गलत रास्ता तो यही है जो हमारी प्रवृत्ति में हमको ले जाता है। अब कह रहे स्वर्ग सत्व गुणोदय, आपको यदि स्वर्ग का सुख लेना है, भगवान कह रहे स्वर्ग है क्या, बोले हमारे जीवन में सतो गुण का बढ़ जाना ही स्वर्ग है। क्योंकि जैसे वो स्वर्ग नहीं कि आप ऊपर जाकर भोग भोगेंगे, मैं आज चिंतन कर रहा था सुख स्वर्ग का अभिप्राय सुखी होना, जितना सतोगुण जीवन में बढ़ेगा उतना सुख बढ़ेगा, और तमोगुण रजोगुण जितना बढ़ेगा निश्चित रूप से हमारे जीवन में अशांति और दुख का ही प्रादुर्भाव होगा। नरक तमुन नाहो बंधुर गुरु हम सखे, कहा कि नरक क्या है, ध्यान दीजिएगा, जैसे स्वर्ग क्या है वैसे नरक क्या है। भगवान कह रहे हैं नरक है वह तमोगुण, जैसे हमारे जीवन में तमोगुण बढ़ जाता है वैसे नरक है। वो एक महापुरुष के सामने किसी ने कहा कि सच्चा सुखी बालक है, सबसे सच्चा सुखी कौन है, बोले बालक है, उसको कोई परवाह नहीं है। महात्मा ने हंस करके कहा सच्चा सुखी बालक नहीं है, वो तो अज्ञान में है तमोगुण में,
सच्चा सुखी ज्ञानी है। बोले कभी नहीं कहना कि बालक सुखी है, बालक तो अंधकार में है, अज्ञान उसको महाराज सुख दुख का भान, ऐसा नहीं कि वो सुखी, बालक जितना अज्ञान में शायद कोई नहीं होगा। सुखी सच्चा यदि कोई है तो निश्चित रूप से ज्ञानी सुखी है। तो तमोगुण जहां जहां है वो नरक है, सतोगुण जितना बड़े, इसलिए शास्त्रों में यह गीता आदि में इसमें प्रयोग किया कि आपका व्यवहार सतोगुणी हो, यदि सतोगुणी नहीं है तो काम नहीं बनेगा। आर शुद्ध हो, सतोगुणी हो, व्यवहार सतोगुणी हो तो बंधु कौन है, बंधु बंधुर गुरु रहम सखे। आहा, हमारे महर्षि तो इसका अर्थ इतना, वो तो महाराज जी के अलावा ऐसा रसीला अर्थ नहीं करते, हम तो गदगद हो जाते टीका देखने के बाद भी, इतने सहज रस अर्थ महर्षि करते हैं। बोले हे सखे, ये सखे का संबोधन बना दिया, हे सखे अहम गुरु बंधु, मैं ही गुरु हूँ। अभिप्राय क्या है कि अहम गुरु बंधु, ये गुरु के रूप में कौन मिलता है जी? गुरु के रूप में गोविंद ही मिलते हैं। हमें तो कई बार चिंतन करते करते हृदय भर आता है कि ईश्वर की जब करुणा उमड़ती है किसी जीव पर तो निश्चित रूप से वही गुरु बन करके अपने शिष्य को मिल जाते हैं। वह गुरु बनकर मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से गुरु ही सच्चे बंधु हैं, और कोई सच्चा बंधु है नहीं, गुरु ही सच्चे बंधु हैं, गुरु ही सच्चा भाई बंधु है। और हे सखे वह गुरु मैं ही हूँ। भगवान कह रहे हैं संसार में सच्चा बंधु कौन है, भाई बंधु? बोले गुरु ही है, और वह गुरु मैं ही हूँ। इसलिए भगवान कह रहे अहम बंधु महाराज गुरु, वह गुरु मैं ही हूँ। तो घर कौन सा है? बोले गृहम शरीरम मनुष्यम। महाराज ये निश्चित रूप से जो हमारा शरीर है यही सच्चा घर है। और गुणाढ्यो ह्याढ्य उच्यते, और महाराज धनी कौन है? जो गुणों से संपन्न है वही धनी है, जो गुण जिसके जीवन में नहीं वह निश्चित रूप से धनी नहीं है। बंधु विषय समुपस्थिते, हमारे सीधा स्वामी पाद लिखते जब बंधु विषय की चर्चा हुई तो कहा गुरु के रूप में ही बंधु हैं। दलिलता क्या है जरा ध्यान दीजिएगा, मैं आज मानस में यह है कि दो श्लोक हैं इसको पूरा कर दें क्योंकि कल निकलना है तो ये अध्याय का विश्राम हो जाएगा, तो फिर बाद में जब प्रारंभ करेंगे तो 20वें अध्याय से प्रारंभ कर दें, 19वां अध्याय पूरा करने का मानस है। दरिद्र कौन है? दरिद्र यस्तु असंतुष्ट, संसार में सच्चा सुखी वही है, धनाढ्य वही है जो संतुष्ट है। जिसके जीवन में संतोष नहीं है वो दरिद्री है। और कृपण कौन है? कंजूस कौन है? अजितेंद्रिय, जिसकी इंद्रियों पर संयम नहीं है। महाराज असंतुष्टो यह स दलिद्र न निस्व, जिसके पास धन नहीं है वो दलिद्र नहीं है, धन होने के बाद भी संतोष नहीं है। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान, तो सच्चा सुखी महाराज धन वाला वही है जो संतुष्ट है। यो अजितेंद्रिय सकृपण सौ महाराज सोच्य, वह सोचने योग्य है, वो दीन है जिसके जीवन में महाराज इंद्रियों में संयम नहीं है। इंद्रियों का संयम होना परम आवश्यक है। गुणों असक्त अधीराशो महाराज यश स विषयो निशः, वह गुण संगो गुणेश संगो यश सह, निश्चित रूप से जिसकी बुद्धि गुणों में आसक्त नहीं होती वही समर्थ है, वही ईश्वर है। और जिसकी बुद्धि गुणों में आसक्त हो जाती है वह असमर्थ है। समर्थ कौन है? व्यक्ति है जो गुणों में बनता नहीं है, आसक्त नहीं होता है, और जो गुणों में आसक्त हो जाता है वह निश्चित रूप से कमजोर व्यक्ति है, वह बंधा हुआ व्यक्ति है, असमर्थ व्यक्ति है। इतना कहने के बाद अब भगवान
बिल्कुल ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। ये ब्रह्मास्त्र है भगवान का। एतद उद्धौ ते प्रश्नाः सर्वे साधु निरूपिताः। जो तुमने प्रश्न किए थे उन सारे प्रश्नों का निरूपण मैंने कर दिया। किम वर्णतेन बहुना लक्षणम गुणदोषयो हि। क्या बहुत कहा जाए जिसमें गुण दोष की बुद्धि हो। और मुझे तो लगता है सबसे बड़ा दोष तो गुण दोष पर दृष्टि रखना ही है। ये देखो गुण दोष दृश्य दोष दोषो हो। महाराज सचमुच में सबसे बड़ा दोष ये है कि गुण दोष पर दृष्टि रखना ही सबसे बड़ा दोष है। गुण दोष दोषयो लक्षणम बहुना वर्णितेन किम। ये गुण महाराज गुण दोष दृष्टि ही दोष। गुण तो उभय वर्जिता, दोष गुण दोनों को छोड़कर केवल ब्रह्म दर्शन ही श्रेष्ठ दर्शन है। अन्य दर्शन तो निश्चित से दोष युक्त है। ये तो जो मैंने वर्णन किया है, हमारे महर्षि ने इसका अर्थ किया कि तुम्हारी इसमें रुचि थी, तुम्हारी रुचि थी इसलिए हमने वर्णन कर दिया, नहीं तो हमारा कोई दृष्टि ऐसी है नहीं। भगवान की कोई दृष्टि नहीं कि ये दरिद्र ये संतुष्ट, क्या ध्यान। जहां ब्रह्ममयी दृष्टि है वहां ये दोष दृष्टि क्या है। गुण भी दोष, दोष माना दोष भी दोष। ऐसा नहीं कि गुण दृष्टि कोई अच्छी दृष्टि है, इसलिए दोनों पर दृष्टि न रखना ही, केवल ब्रह्म दृष्टि रखना ही सच्ची दृष्टि है। भगवान सभी प्रश्नों का उत्तर दे करके बाद में जहां स्थापित, इसलिए मैंने कहा ये ब्रह्मास्त्र है, सबसे ऊपर उठ जाना। इसको कोई रट करके दूसरों पर थर्मामीटर लगाने की जरूरत नहीं है। हम लोग कई बार देखते हैं सत्संग में जो बातें सुनते हैं, तो वैराग्य की बातें सुनते हैं तो दूसरों में लगा के देखते हैं इसमें है कि नहीं, ये सन्यासी है कि नहीं, ये गुणवाना है कि नहीं। इसमें ये सारे दूसरों पर थर्मामीटर लगाने की जरूरत नहीं है। अपना निरीक्षण करके और अपने इससे ऊपर उठने के लिए, भगवान इसमें फंसाने के लिए नहीं, इससे ऊपर उठाने के लिए वर्णन कर रहे हैं। शेष चर्चा क्रमशः होगी। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ जिनकी ये वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित, कल से जी कल से क्रम रहेगा। प्रारंभ में महर्षि के प्रवचन के बाद पूज्य ब्रह्मचारी रामचेतन जी महाराज, पूज्य शिवानंद जी महाराज और बाद में पूज्य महाराज जी गीता का प्रवचन सुना रहे हैं, विश्वात्मानंद जी महाराज। इन सब का आप आनंद लेंगे। करुणशा महाराज जी तो सुबह वहाँ सुना देते, नहीं तो मैं कहता कि महर्षि का भी सुनने को मिले। फिर जैसे महर्षि की अनुकूलता होगी डॉक्टर स्वामी महाराज की, वह लाभ हमको मिलेगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।